भी पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा करके ले आया। सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक गिफ्ट की। तीसरे दिन तीसरे दामाद की बारी थी। तीसरे दामाद को लेकर के गई और जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा करके ले आया। सास ने खुश होकर के उसे एक्टिवा स्कूटर गिफ्ट किया। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। चौथा दामाद बिल्कुल यहाँ के आयोजकों की तरह होशियार, उसने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा तो साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर के उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। क्या बात है, पता मैं नहीं सुना सका ये। तो इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। हालांकि हास्य के काम के लिए अनिल जी यहाँ पर हैं, मैं अपने शायरी और शेर आप तक पहुंचाती हूँ। जी सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हाँ जी। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। ओहो, क्या खुशबू, बहुत शानदार सुन रहे हैं आप। बेकार में लोग यहाँ के आपको बदनाम कर रहे थे कि आप बातें कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ ये पंखा, ये खंबा, ये सब व्यवधान बन रहे हैं, वरना आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो ऐसे ही आप ताली वाली पहुंचाते रहे, मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। वाह 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 वाह, क्या बात है नामिका, तालियों का बस हम तो साज दे देना। नहीं, आप तो हैं भी खामा खाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, मोहन मुंतजर ने इन लड़कों को बहुत पाठ पढ़ाए। यहाँ जितनी लड़कियां बैठी हैं, मैं कुछ पाठ पढ़ाती हूँ। सुनो लड़कों, आपके बारे में बताती हूँ, लेकिन आपको ताली वाली ऐसे ही बजानी है। और ये जो मेरे भूतपूर्व नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, इनसे भी अनुरोध है कि कोई बात अच्छी लग जाए तो आपकी भी तालियां मुझ तक पहुंचे। सुने ये लड़के, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामी का सा अंबर चाहिए इनको, जरा देखो। अरे पूरी चार लाइन तो सुन लो, बीच में ही आप ताली बजाने लग जाते हो। पंक्तियां पहुंचने दो, मुझे पता है आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पर पंक्तियां पहुंचे और ताली आए तो आपको सुनने में दुगना आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। हाँ जी। कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामी का सा अंबर चाहिए इनको, बड़े करके जतन लड़की के दिल को जीत लेते हैं। वाह। बड़े करके जतन लड़की के दिल को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर। क्या बात है अनामिका जी, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अनामिका जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ लोगों को गलत तरफ मुंह करके सुनने की आदत होती है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हाँ जी। अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती। वाह। आपकी वाह वाह आती रहे, कोई बात अच्छी लगे तो आह वाह जरूर आए। आ जाइए, चार और वीआईपीज हमारे बीच आ गए हैं, मैं मंच से इनका स्वागत सम्मान करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि इसी वाले सोफे पर बैठ जाएं। हाँ बैठ जाएं। जी सर, स्वागत है। शुरू करूं? बैठे जी। हाँ मैं आपको ही देख रही हूँ भाई साहब, आप बैठ के जल्दी से सुन लें। शुरू करती हूँ। अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती,
बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती। वाह वाह। बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती। मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं। सुनो लड़कियों, मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं। जो ठुकरा दें उन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती। जो ठुकरा दें क्या बात है, बहुत बढ़िया नामिका, क्या कमाल। एक दिन ऐसा काम कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक दिन ऐसा काम कर देंगे। एक दिन ऐसा काम कर देंगे, तेरा दुनिया में नाम कर देंगे। वाह, वाह। एक दिन ऐसा काम कर देंगे, तेरा दुनिया में नाम कर देंगे। हम बिहारी हैं, हम से मत उलझो। हम बिहारी हैं, हम से मत उलझो। तेरा जीना हराम कर देंगे। वाह वाह वाह। तेरा जीना हराम कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डाइस पर। जी जी, अब्दुल गफूर साहब। अब हम लोग आपको भी बिहार का ही समझते हैं। नज़्म मुशायरा, शायद ये बिहार में हमारी 10वीं, आप मुझे याद नहीं है। फिलहाल तो मैं ये बहादुरगंज में 2 या 3 मरतबा आ चुकी हूँ। जी जी, हाँ हाँ, तीसरी हो जाए, अब समझिए कि चौथी भी होगी, मतलब चौथी बार भी आ पाएंगी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके बताएं। जी जी, इंशाल्लाह। हाँ, मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचाती हूँ। चलिए इंशाल्लाह, यही लोग कई लोग कह रहे हैं, यही बात कई लोग कह रहे हैं, इंशाल्लाह। लगे जो तुझको, वाह। लगे जो अच्छी तुझे वो शराब हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। लगे जो अच्छी तुझे वो शराब हो। मैं पढ़ती हूँ, एक बार जोरदार ताली बजाएं। नगर साहब के लिए सही कर, एक बार हंगामा तो होना ही था आपके आने के बाद। लगे जो अच्छी तुझे वो शराब हो जाओ। मुझे इस माइक पर कितना टाइम रहना है ये आप मुझे बताएंगे। मैं पढ़ती हूँ। लगे जो अच्छी तुझे वो शराब हो जाओ। वाह वाह, पढ़िए। लगे जो अच्छी तुझे वो शराब हो जाओ। तेरे लिए मैं महकता गुलाब। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। तेरे लिए मैं महकता गुलाब हो। तेरे लिए मैं महकता गुलाब हो जाओ। जिसे तू प्यार से हर रोज यार पढ़ता है। जिसे तू प्यार से हर रोज यार पढ़ता है। मैं सोचती हूँ तेरी वो किताब हो। क्या बात है, क्या बात। वाह वाह वाह। मैं सोचती हूँ तेरी वो किताब हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जब हम माइक पे आए थे तो ये नज़्म मुशायरा गुलाब और तितलियां वगैरह की बात कर रहे थे। मैं 4 मिसरे इन तक पहुंचाती हूँ। पढ़ती हूँ चेयरमैन साहब। दर्द दिल इनको जवाब दूं मैं, मेरा साथ दें आप लोग एक बार। हाँ। दर्द दिल यूं छुपाया न कर। दर्द दिल यूं छुपाया न कर। बेसबब मुस्कुराया न कर। बेसबब
मुस्कुराया न कर हुस्न के दिलकशी देख कर खुद को पागल बनाया न कर।